बिहारी स्टाइल में बथुआ का साग। बथुआ का साग हमारे यहाँ दो तरीके से बनाया जाता है, दाल के तरीके से, एक माड़ में डाल के और एक दाल के साथ। मैं आपको दाल के साथ बता रही हूँ और माड़ के साथ मैं आपको बाद में बताऊँगी, नेक्स्ट रेसिपी में आपको माड़ के साथ बताऊँगी। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, मैंने एक पाव, यहाँ मैंने एक कटोरी दाल ले ली है, मूँग की दाल है, मूँग की दाल ली है। अब इसमें क्या करेंगे, हम ये बथुआ का साग डाल देंगे और ये इसमें भरपूर प्रोटीन कैल्शियम मिलता है। और ये मैंने इसमें साग डाल दिया और दाल भी डाल दिया। क्या करूँगी, ये एक लोटा पानी इसमें डालूँगी ताकि ये अच्छे से गल जाए। और इसमें अब मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डालूँगी, स्वाद अनुसार नमक, नमक हम थोड़ा सा भी डाल सकते हैं बाद में, अगर आपको कम लगे तब दोबारा डाल सकते हैं। अब मैं इसमें कुछ नहीं डालूँगी, अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे। मैंने गैस पे चढ़ा दिया है, इसमें हम चार सीटी लगने देंगे, चार सीटी लगने के बाद इसको हम उतार देंगे। और ये देखिए हमने चार सीटी में इसको, और गैस देखिए हमने इसको चार सीटी में उतार दिया है। अब इसका इसकी हवा भी निकल चुकी है, इसको हम खोलेंगे। तो चलिए इसको हम खोलते हैं, इसको खोल दिया। ये देखिए हमारी दाल, अब ये जो इसमें ये हम ले लेंगे इसको मिलाने के लिए। अगर आपके पास दाल घुटनी है, जिसको मतलब दाल मट्ठी बोलते हैं, जिससे दाल मटते हैं वो है, तो आप उससे भी मट सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल मैं इससे मट रही हूँ, तो अगर ये मोटी होगी तो इससे मिक्स हो जाएगी, नहीं तो इसे उससे ऐसे ऐसे करके करते हैं। दल घुटनी बोलते हैं इसको हमारे बिहार में, तो वो इसको हम इसको ऐसे मिलाएंगे। अभी ये गर्म है तो थोड़ा केयरफुल होकर करेंगे। और गाइस ये इससे तो हुआ नहीं, फिर इसको मैंने इसी से किया है क्योंकि इससे परफेक्ट हो चुका है, इससे अच्छे से दाल मिल चुकी है, इससे नहीं हुआ तो इससे मैंने छोड़ के ये दाल मटने वाले से ही मैंने इसको मथा है ऐसे करके, इससे एकदम परफेक्टली हो गया ऐसे करके दोनों हाथ से। तो अभी तो मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ती हूँ, एक हाथ में काम करती हूँ, तो उसको मैंने दोनों हाथ से मिलाया था। तो आप भी केयरफुल होकर दोनों हाथ से मिलाइए। ये हमारी दाल लड़ी, इसका हम छौंका लगाएंगे। तो इसका छौंका लगाने के लिए इसको हम थोड़ा ढक के रखेंगे। और ये मैंने कलछी चढ़ दिया क्योंकि हमारे पास बड़ा कलछा नहीं है, तो मैं छोटे कलछी से ही छौंका लगाऊंगी। तो उसको हम घी में नहीं, सिर्फ सरसों तेल में इसमें छौंका लगाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो छौंका लगाने के लिए मैं इसमें सरसों तेल का यूज़ करूँगी। देखिए हमारा तेल गर्म होगा, अभी तेल हमारा गर्म नहीं हुआ है, अभी हमारा तेल गर्म होगा तब हम उसे छौंका लगाएंगे। छौंका लगाने के लिए हमने लिया ये एक हरी मिर्च, जिसके हमने चार टुकड़े कर लिए हैं, ये एक चम्मच आ गया है, थोड़ी सी हिंग, ये थोड़ी सी जीरा, तेज पत्ता मेरे पास है नहीं तो मैंने डाला नहीं, आप चाहते तो तेज पत्ता इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब मैं इसको तड़का लगाऊंगी। देखिए ये हमारा हो चुका है, अब इसको हम तड़का, इसको हम गैस कर देंगे बंद, अब इसका हम तड़का लगाएंगे। परफेक्टली तड़का लग चुका है, तो ये देखिए गाइस, ये हमारा तड़का, ये देखिए हमारी दाल तैयार है। और गाइस और एक बात, क्योंकि मेरे पास जगह कम है, मेरे पास जगह छोटी है, तो इसीलिए आपको बीच बीच में कहीं कहीं सामान दिख जाते हैं, मेरे पास जगह नहीं है, जगह की थोड़ी सी कमी है इसके कारण।
मेरा किचन छोटा सा है, बस एक टेबल लगा के मैं करती हूँ। ये मेरी दाल तैयार है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। गाइस हमारी दाल बन के रेडी हो चुकी है। साग की दाल एकदम अच्छी ग्रीन, जो सर्दियों में एकदम पौष्टिक होती है, ये हमें खाना चाहिए। अब मैं इसको नेक्स्ट आपके साथ आपको दिखाती हूँ, चावल के साथ इसको सर्व करना है तो मैं आपको दिखाती हूँ। फिलहाल आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। और गाइस इसको हम हमारे बिहारी स्टाइल में कैसे खाते हैं, भात दाल चोखा के साथ, तो मैं इसको आपको इसकी पूरी थाली दिखाती हूँ।